अब टाटा मोटर्स के एक बार ऑटो बिक्री के नंबर देख लेते कि अगस्त महीने के ऑटो बिक्री के नंबर किस तरह के रहे हैं वहाँ पर। कुल गाड़ियों की अगर बिक्री की अगर बात करें तो ये 1% घटकर करीब 78,000 यूनिट के आसपास कुल गाड़ियों की बिक्री रही है। घरेलू कमर्शियल व्हीकल की अगर बात करें तो इसमें ग्रोथ देखने को मिली 29,313 यूनिट के मुकाबले ये बढ़कर 30,748 यूनिट घरेलू सीवी बिक्री है। और पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 45,933 यूनिट रही हैं। और ई व्हीकल गाड़ियों की यूनिट में भी ग्रोथ देखने को मिली, ये 4,026 से बढ़कर 6,236 के आसपास है। शेयर 1% ऊपर है। राहुल जी, क्या व्यू है टाटा मोटर्स पर, क्या कॉल देंगे? व्यू तो काफी पॉजिटिव है टाटा मोटर्स को लेके। और दो ऑटो बिक्री के जो आंकड़े आए हैं वो थोड़ा सा मार्केट अप्रिशिएट नहीं करेगा मुझे लगता है, और यहाँ से एक हल्के डिक्लाइंस आपको देखने को मिल सकते हैं। मेरा मानना है कि स्टॉक अभी करंट मौजूदा भाव से करीबन 10 से 15 रुपए नीचे फिसल सकता है, पर वो मौका होगा स्टॉक के अंदर एंट्री करने का। देखिए, एक बहुत ही बढ़िया जंक्चर बना हुआ है 50 DEMA का और 89 डेज के वेटेड मूविंग एवरेज का डेली चार्ट पे टाटा मोटर्स के अंदर, जो मुझे लगता है काफी अच्छा सपोर्ट दे सकता है। और ये जो बाउंस इसको मिलेगा वो काफी अच्छा बाउंस मिल सकता है, जहां पे स्टॉक दोबारा से 630 से लेके 640 की चाल बना सकता है। तो मेरा मानना है अगर यहाँ पे डिक्लाइंस आते हैं तो इसको डेफिनेटली ऐड करना चाहिए एक शॉर्ट पीरियड के लिए, जहां पे स्टॉक आपको दोबारा 630 से 640 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। इस ट्रेड के लिए जो हमें सपोर्ट बनाना होगा वो करीबन 580 रुपए पे बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टाटा मोटर्स पर नज़रिया पॉजिटिव और